हेलो फ्रेंड्स, रितिका हियर। वेलकम टू द पिया शो लाइफस्टाइल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पतंजलि के दो नए ब्यूटी प्रोडक्ट्स। एक है फेस स्क्रब मुल्तानी मिट्टी एंड सेकेंड इज कोकोनट नरिशिंग क्रीम। चलिए आइए इसको देखते हैं कैसे यूज करना है। कम इसकी कॉस्ट 75 रुपीज है। इसका नेट वेट 60 ग्राम है। ये मुल्तानी मिट्टी विटामिन क्रीमी सॉप बेस से बना है। इसका डीप क्लेंसिंग एक्शन इम्प्योरिटीज, ब्लैक हेड्स, डेड स्किन रिमूव करता है और नीम, तुलसी, मिंट एंड लेमन पील आपकी स्किन को प्योरीफाई करता है। और मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा, विटामिन आपकी स्किन को नरिशिंग करते हैं और आपकी स्किन टिश्यूज को एक्टिवेट करते हैं। आपके कॉम्प्लेक्शन को क्लियर, क्लीन और रेडियंट भी करता है। बेस मटेरियल और इसके कॉम्पोजिशन की इंफॉर्मेशन आपको पैक के पीछे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसके यूजेस हैं, रिमूव्स डेड स्किन सेल्स एंड बूस्ट ब्लड सर्कुलेशन एंड नंबर 2, प्रिवेंट फ्रॉम पिंपल्स एंड इम्प्रूव फेस ग्लो। अगर हम पतंजलि के एप्रिकोट स्क्रब को कंपेयर करें पतंजलि सौंदर्य फेस स्क्रब मुल्तानी मिट्टी के साथ, तो दोनों का नेट वेट सेम है और कॉस्ट में 15 रुपीज का डिफरेंस है। ये 60 रुपीज का है और ये 75 रुपीज का। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपके लिए एप्रिकोट फेस स्क्रब एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो मुल्तानी मिट्टी फेस स्क्रब एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब हम बात करेंगे पतंजलि सौंदर्य कोकोनट नरिशिंग क्रीम की। इसकी कॉस्ट 70 रुपीज है। इसका नेट वेट 50 ग्राम है। इसकी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है। ये आपकी स्किन की ड्राइनेस और रफनेस को दूर करता है। ये ड्राई स्किन के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इसे दिन में 2 बार यूज करें। इसे आप अपने फेस पर, बॉडी पर यूज कर सकते हैं।